चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चीन को लेकर बड़ी बात कही है। महाराष्ट्र के पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड चल रही है। इस पासिंग आउट परेड में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी शिरकत की। जनरल अनिल चौहान ने पासिंग आउट परेड की समीक्षा करते हुए महिलाओं की तारीफ की, साथ ही उत्तरी सीमा पर बढ़ रहे चीन को लेकर भी बात की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि चीन की सेना की तैनाती उत्तरी सीमा पर नहीं बढ़ रही है, वो उतनी है जितनी 2020 में थी। साथ ही जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारतीय सेना हर संभव प्रयास कर रही है कि स्थिति न बिगड़े। It's not increasing day by day. It is at that particular level as it was in 1920. They haven't gone back. इसके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने देश के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। सीडीएस ने कहा कि यूरोप में चला युद्ध, हमारी उत्तरी सीमाओं पर पीएलए की निरंतर तैनाती और हमारे पड़ोसी देश में राजनीतिक आर्थिक उथल पुथल हमारी सेना के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारी सेना नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।